हेलो बच्चों टू सर्कल्स एक्स माइनस वन स्क्र प्लस वाई माइनस थ्री टू आर स्क्र एंड एक्स स्क्स वाई स्क्र माइनस एट एक्स प्लस इक्वल टू जीरो इंटरक्ट इन टू डिस्टिट पॉइंट्स देन तो यहाँ पे देखो हमें चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या होगा अगर ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन टू डिस्टिंग पॉइंट्स स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हम जानते हैं इफ टू सर्किल्स इफ two circles having having radii having radii as R1 and R2 respectively R1 and R2 respectively intersect intersect in in two distinct points in two distinct points then

मॉड ऑफ आर वन प्लस आर टू इसके बीच की डिस्टेंस हो रही होगी ठीक है तो पहला जो सर्किल है उसकी बात करते हैं देखो सी वन सर्किल बोल लेते हैं जिसकी इक्वेशन हमारे पास है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे सर्किल की इक्वेशन क्या होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो वहां से इसका सेंटर जिसको हम स्मॉल सी वन बोल रहे हैं ठीक है ये क्या आ जाएगा वन कॉमा थ्री आ जाएगा और इसकी रेडियस को हम आर वन बोल लेते हैं जो कि आर आ जाएगी अब इसी तरीके से एक दूसरा सर्किल है सी टू जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस का टू वाई है प्लस का एट है एंड दैट इज इक्वल टू किसके है जीरो के तो इसके लिए जो सेंटर सी टू है वो कैसे लिखेंगे माइनस जी को माइनस एफ और जी क्या होता है एक्स के कॉफिसेंट का हाफ कर दो माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस का फोर हो जाएगा देन एफ कैसे निकालते वाई के कॉफिसेंट का हाफ कर दो तो टू बाई टू वन हो जाएगा तो माइनस ऑफ वन लिखा यहाँ यहां पे. और आर टू का वैल्यू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी का स्क्वायर तो यहां पे देखो माइनस फोर का स्क्वायर कितना होगा क्योंकि माइनस जी का वैल्यू फोर है ना तो जी का वैल्यू माइनस फोर है इधर से उसका स्क्वायर कर दिया सिक्सटीन देन प्लस में यहाँ पे एफ का स्क्वायर करेंगे वन आएगा माइनस में जो कॉन्स्टेंट पार्ट है यानी कि एट तो एट हो गया यानी इसका वैल्यू आ रहा है रूट ऑफ यहाँ पे देखो कितना बनेगा ये सिक्सटीन माइनस एट एट होता है एट प्लस वन यानी नाइन तो रूट ऑफ नाइन हो जाएगा डेट इज इक्वल टू थ्री तो अब अगर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस सी वन सी टू निकालेंगे वो, वो देखो क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर तो फोर माइनस वन का होल स्क्स वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां से मिल जाएगा थ्री का स्क्वायर यानी नाइन प्लस में माइनस फोर का स्क्वायर तो ये बन गया रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव डेट इज इक्वल टू फाइव यानी फाइव जो है वो कहां से कहां तक आएगा ये आएगा मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू ठीक है तो यहां से देखो आर गेरा और आर टू का वैल्यू है कितना थ्री तो आर माइनस थ्री और यहां पे क्या बोल सकते हैं आर प्लस थ्री तो अब एक बात नोट करो अगर हम इस मॉड को ऐसा का ऐसा ओपन करते हैं तब तो ठीक बात है ठीक है लेकिन अगर हम इस मॉड को थ्री माइनस आर से ओपन करते हैं इट इज लेस देन फाइव तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि आर विल बी विल बी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस टू ठीक है तो ये तो देखो हमेशा ही ट्रू है क्योंकि आर ग्रेटर देन आर की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू होगी ना ठीक है आर की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये तो हमेशा ही ट्रू है तो हम क्या करेंगे इसको एज इट इज ओपन करेंगे आर को बड़ा मानते हुए तो आर माइनस थ्री इज लेस देन फाइव इज लेस देन ये तो दोनों ही पॉजिटिव है तो आर प्लस थ्री एज इट इज ओपन हुआ ठीक है तो यहां से देखो हम क्या करते हैं पहले अगर फर्स्ट पार्ट लेते हैं तो आर माइनस थ्री इज लेस देन फाइव इसका मतलब है आर का वैल्यू इज लेस देन एट अब ये दोनों पार्ट लेंगे तो आर प्लस थ्री विल बी ग्रेटर देन फाइव डिस इम्प्लाईज आर का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन किसके टू से ठीक है यानी कुल मिला के इन दोनों से रिजल्ट क्या मिल रहा है कि आर का वैल्यू टू से तो बड़ा है लेकिन एट से छोटा है तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक